थैंक यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सब डिवाइडेड बार ग्राफ डायग्राम। ओके, तो इसका क्वेश्चन मैंने दिया था, आप लोग कर लिए हैं या फिर इसमें कोई डाउट है? प्रैक्टिस एट 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? मैंने तो इसको बता दिया था। क्वेश्चन 2, 3, 4 ओके, एनीवन? ये भी मैंने डिस्कस किया था, परसेंटेज बार ग्राफ या डायग्राम, इसका भी मैंने क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन आप लोगों ने किया या फिर कोई डाउट है इसमें भी? प्रमोद, कौन सा डाउट है आपको? नो डाउट। ओके, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूं। ओके, आपका न्यू चैप्टर जो है वो है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, इक्वेशंस मींस क्या होता है? इक्वेशंस आप लोगों ने कभी पढ़ा है? इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वेट करना, मतलब इक्वल। ओके, एंड वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को। तो आपका जो कांस्टेंट होता है, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये जो भी नंबर्स हैं वो आपके क्या है? कांस्टेंट्स हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके? वेरिएबल्स में जैसे कि एक्स हो गया, वाई, जेड, या फिर आपका ए, बी। ओके, तो ये सारा क्या होता है आपका कि जैसे कि कभी एक्स का वैल्यू जो है आपका कुछ हो चेंज हो जाएगा, वाई का भी वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, जेड का भी वैल्यू बहुत सारा हो सकता है। जेड का कभी आपका वैल्यू 1 हो सकता है, कभी आपका 3 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, या फिर मतलब कोई भी नंबर या फिर कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो सकते हैं बहुत सारे। ओके, लेकिन कांस्टेंट क्या, जैसे 1 है, 1 का वैल्यू कभी चेंज हो सकता है क्या? वैष्णवी, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बताइए कि ये क्या कहते हैं, वेरिएबल्स के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा है? यस और नो? ओके, तो वेरिएबल जो है जैसे कि आपका एक्स, वाई, जेड, ये सब जो है वो आपका वेरिएबल है, और कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशन वन वेरिएबल में इक्वेशन। ओके, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, जो वैल्यू जो होगा, वन सेकेंड, वेट अ मिनट। ओके,
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ओके एम आई ऑडिबल, एनी वन कन्फर्म मी, ओके। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था कि वन वेरिएबल में इक्वेशन को पढ़ चुके थे हम लोग, तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जैसा कि आपका कोई भी वैल्यू है, जैसे आपका कोई भी इक्वेशन, जैसे x प्लस टू इक्वल टू जीरो है, ये आपका एक इक्वेशन है, ओके। अब ये x के ये आपका x क्या है, वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के पास हम लोग इस वेरिएबल के जगह पे क्या रखेंगे कि ये आपका ये जीरो के बराबर हो जाए, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे कि ये जीरो के बराबर हो जाए, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे यहां पे आपका एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू के जगह पे आपका एक्स के जगह पे हम लोग माइनस टू अगर रखते हैं, एक्स के जगह पे माइनस टू अगर हम लोग रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो आपका माइनस टू जो है वो इस इक्वेशन का, ये जो आपका इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आपका क्या हुआ, माइनस टू, ओके। उसके बाद सॉल्विंग एन इक्वेशन मींस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ओके। The solution obtained by performing the same operation on its both sides does not change its solution using the property. Okay, तो जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके, जैसे कि दोनों साइड जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो दोनों साइड आपका यूज होगा, हम लोग अभी देखेंगे आगे तो और क्लियर हो जाएगा, ओके। The operations done on both sides of an equation are, जो हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, जैसे टू ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड, हम लोग जब भी ऐड करेंगे तो हम लोग दोनों साइड, जैसे ये आपका एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि इस इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड एक्स प्लस टू है आपका एक इक्वेशन, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो है, अब दोनों साइड हम लोग इसमें जैसे कि वन ऐड कर रहे हैं, इधर भी हम लोग वन ऐड करेंगे, ओके। या फिर हम लोग इसमें से, इसमें मान लीजिए कि माइनस वन सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है आपका, टू सबट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ से, जब सबट्रैक्ट करना होगा तो दोनों साइड से हम लोग सेम नंबर से सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे टू माइनस, यहाँ माइनस टू से सबट्रैक्ट किए हैं तो इस साइड भी हम लोग माइनस टू से सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देयरफॉर x इक्वल टू, ये तो प्लस टू और माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस टू, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर, हम लोग को मल्टी दोनों साइड जो है हम लोग सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, टू डिवाइड बोथ साइड बाय द सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर, जैसे देखिए डिवाइड जब हम लोग करेंगे वो नंबर जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी कि वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे फाइव है, ओके। अगर फाइव में हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, फाइव बाय जीरो, फाइव बाय जीरो कुछ होगा, ये एक मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। 5 by 0, 5 कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 0 है यहाँ पे 5 है, ओके। तो कैसे ये डिवाइड होगा, तो 0 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 होगा, कोई एक ऐसा नंबर है, कोई भी नंबर आप बताइए जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आपका 5 है, ओके। तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। तो जब हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते इसीलिए हम लोग जब भी डिवाइड करेंगे उस समय कोई भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसा देखिए यहाँ पे x प्लस फोर इक्वल टू नाइन है, ओके। x प्लस फोर इक्वल टू नाइन, तो यहाँ प्लस फोर है यहाँ पे नाइन है, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे सीखा था,
टू एड सेम नंबर टू बोथ साइड्स, हम लोग दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं, या फिर सेकेंड में हम लोगों ने सेकेंड ऑपरेशन में क्या देखा था, टू सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे फोर है, हमको मेनली यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, एक आपका एक वेरिएबल है, हमको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपका प्लस फोर दिख रहा है, यहाँ पे आपका प्लस फोर दिख रहा है, यहाँ पे नाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस फोर से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाला जीरो हो जाएगा टर्म, सिर्फ एक्स वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ पे माइनस फोर, फोर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे भी फोर, दोनों साइड फोर फोर से सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद ये फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, और ये नाइन माइनस फोर जो है वो कितना होगा, फाइव होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन। ये है आपका, तो यहाँ पे जो है माइनस टू है, तो हम लोग यहाँ पे किस चीज से ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे कि इधर वाला टर्म जो है लेफ्ट साइड वाला टर्म वो सिर्फ एक्स के रूप में बचे। जैसे कि यहाँ पे आपका एक्स है, ओके, यहाँ पे माइनस टू है, अगर हम लोग इसमें प्लस टू ऐड कर देते हैं, दोनों साइड प्लस टू इधर, और ये आपका सेवन है इधर, इसमें भी प्लस टू कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आपका देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स और माइनस टू प्लस टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और देयर फोर एक्स इक्वल टू सेवन प्लस टू नाइन। ओके, सुमन आपका माइनस फाइव आया, कैसे, सुमन आपको क्लियर हुआ ये, ओके ओके तो और दूसरा मेथड, एक और मैं मेथड बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। एक जैसे कि यहाँ पे ये तो हो गया आपका, दोनों साइड सेम नंबर से एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, आपको मेनली आपका एक्स को, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दूसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन है, तो यहाँ पे देयर फॉर एक्स इक्वल टू ये है, यहाँ पे माइनस टू है, माइनस टू है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में आपका माइनस टू है, तो इसको राइट साइड में जब ये जाएगा तो यहाँ पे साइन को चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं और वो वैल्यू को लिख देते हैं, तो सेवन प्लस टू क्या होगा, नाइन होगा। ओके, नो प्रॉब्लम सुमन, ये अब क्लियर हो गया। उसका नेक्स्ट क्या है, आपका x बाई थ्री इक्वल टू फोर है, एक्स डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल टू फोर है आपका। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पे आपका जैसे एक्स है तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे जो है डिवाइडेड बाई 3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इधर 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, थ्री से इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम लोग इधर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और ये साइन जो है, ये साइन, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, किसी को पता है? इस साइन को क्या कहते हैं? तो ये 3 और ये 3 क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे, देयर फोर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। और इस साइन को क्या कहते हैं, किसी को पता है? ये वाला साइन जो है आपका, एनीवन, इसको हम लोग ओ आर और बोलते हैं। ओके, इसको जो है हम लोग और बोलते हैं, ओ आर। ओके, और का मतलब क्या होता है, या। ओके, मतलब और का मतलब या ये या फिर ये, यानी कि दोनों को हम लोग या से लिख सकते हैं। ओके ओके, इसका क्या यूज होता है, इसका जब भी हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन हो, तो हम लोग उसको यूज करते हैं इस तरीके से। जितने जितने भी हम लोग स्टेप लेते हैं, सब में इसको इस तरीके से, इस साइन को हम लोग लिखते जाते हैं। ओके, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो आप देखेंगे इस साइन को हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, एक्स बाई 3 जो है वो 4 के इक्वल है। एक्स बाई 3 जो है वो 4 के इक्वल है। ओके, उसी तरीके से हम लोग इस साइन का और का यूज करते हैं, मतलब कि या ये या फिर ये, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4x इक्वल टू 24। ओके, तो 4x इक्वल टू 24 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं, तो आपका x जो है वो सिंगल हो जाएगा, मतलब सिंगल बचेगा आपका। ओके, तो x बाई 4x है, 4x बाई 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो आपका x इक्वल टू क्या होगा, 4 से 24 को डिवाइड करिएगा तब क्या होगा, 6, ये आपका 6 हो गया, x इक्वल टू आपका 6 हो गया। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी मैंने और का यूज किया है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये सब चीज तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा। ओके, जैसे आपका एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पे 2 x-3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, आप लोग बताइए इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। एग्जांपल वन में, वन का फर्स्ट में वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, वन वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं?
वेरिएबल्स मैंने बताया था ना क्या होता है वेरिएबल सबका। इसमें टू वेरिएबल्स यानी कि टू वेरिएबल्स मतलब आपने ये एक से यहाँ पे एक देखा और आपने एक से यहाँ पे देखा, तो मतलब कि टू वेरिएबल्स होगा आपके अनुसार। तो देखिए जो भी इक्वेशन होगा, कोई भी इक्वेशन होगा, तो जैसे ये आपका एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जैसे एक्स एक टर्म है, एक्स क्या है आपका, एक्स एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स है, तो अगर एक्स रहेगा ठीक है, तो ये एक्स जो है आपका वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल। ओके अगर जैसे किसी इक्वेशन में आपका एक्स वाई दो अलग अलग वेरिएबल रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। अगर जैसे कि एक्स वाई जेड तीनों रहे, एक्स भी रहे वाई भी रहे और जेड, ये तीनों अगर रहे तो वो आपका कहलाएगा क्या, थ्री वेरिएबल्स है उसमें, उस इक्वेशन में आपके थ्री वेरिएबल्स हैं। अगर चार रहेगा वेरिएबल्स तो हम लोग चार कहेंगे, ओके फोर वेरिएबल्स। इसी तरीके से ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिर्फ एक्स ही है, एक्स इसमें हम लोग को सिर्फ दिख रहा है पूरे इक्वेशन में, ओके। या फिर ये कितना भी नंबर ऑफ एक्स हो, ओके यहाँ पे भी अगर एक्स होता है या यहाँ पे भी एक्स होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो आपका वन वेरिएबल का। अब क्लियर हुआ कादम्बरी जी आपको? क्लियर हुआ? ओके जैसा कि ये आपका वन वेरिएबल में हुआ, अगर एक मैं इक्वेशन लिखता हूं जो टू वेरिएबल्स का हो, देखिए जैसा एक्स प्लस फाइव, फाइव इक्वल टू टू वाई प्लस इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, इस इक्वेशन में? टू, क्यों? कि आपका एक एक्स वेरिएबल है, आपका एक्स वेरिएबल है और आपका एक y वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसमें आप इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हैं। इसमें इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें भी आपके टू वेरिएबल्स हैं, एक x एंड x y। ओके अब मैं एक और पूछता हूं आपसे, इसमें मैं पूछूं कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें टू वेरिएबल्स हैं, कौन कौन सा इस इक्वेशन में कौन कौन सा वेरिएबल्स है? टू वेरिएबल्स आप लोग बोल रहे हैं, एक्स वेरिएबल एक है, ओके दूसरा वेरिएबल कौन सा है? सुमन आप आंसर दीजिए।
वन वेरिएबल है ओके, तो इसमें जैसे एक्स वन वेरिएबल यहाँ पे है और दूसरा एक्स यहाँ पे है, तो दोनों जैसे में दोनों एक्स ही है, दोनों आपका क्या है एक्स है, यानी कि ये आपका वन वेरिएबल हुआ। इस इक्वेशन में आपका ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में आपके टू वेरिएबल्स हैं, इसमें भी आपके टू वेरिएबल्स हैं। अगर थ्री वेरिएबल्स का कैसा होगा उसको उसको भी देख लेते हैं एग्जांपल से। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें आपके थ्री वेरिएबल्स हैं। कौन कौन सा, इसमें आपका एक x वेरिएबल है, दूसरा y है और तीसरा z वेरिएबल्स है। अगर मैं पूछूंगा कि इस इक्वेशन में आपके कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो है आपके कितने हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं। ओके, अब क्लियर हो गया कि कैसे पता चलेगा किस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं। ओके गुड, जैसे कि आपका ये एक क्वेश्चन है, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 3 बाई 5 इंटू एक्स प्लस 4। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका थ्री है, यहाँ पे हाँ, सुमन का एक क्वेश्चन है कि देयर इज इफ देयर इज सेम लेटर देन इट इज वन वेरिएबल। ओके, जैसा देखिए यहाँ पे आपका वेरिएबल आपका क्या होता है, जिसका वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे आपके वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, जो अल्फाबेट होता है, ओके, जो अल्फाबेट जैसे कि आपका ई ई सी डी या फिर कोई एक्स कॉमा वाई, ओके, ये सारा आपका क्या है वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर x ही सिर्फ इक्वेशन में आपका सिर्फ ओनली x ही रहे, या फिर ये कितना भी रहे, जैसे कि यहाँ पे कितना बार भी ये रिपीट करे, ओके, तो हम लोग उसको वन वेरिएबल ही कहेंगे। ओके, इस इक्वेशन में वन वेरिएबल ही, ओके, अगर ये जैसे कि इसका नंबर अगर इंक्रीज होता है, जैसे कि x है यहाँ पे y है, अलग अलग जो अल्फाबेट होंगे उसको काउंट करेंगे। ओके, जैसे ये है आपका, हम लोग क्या करेंगे इसमें फाइव, यहाँ पे फाइव है, थ्री बाई फाइव, यहाँ पे टू इंटू एक्स माइनस थ्री है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे कि यहाँ पे आपका थ्री बाई फाइव है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, नीचे में सबसे पहले फाइव है डिवाइड में, ओके, तो हम लोग सबसे पहले 5 से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे 3 बाई 5 है और x प्लस 4 है,
और इसमें भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10 और ये होगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू, और यहाँ पे ये 5 कैंसिल आउट हो चुका है तो ये 3 × x 3x होगा। इसको ध्यान से देखिएगा लो कैसे मैं कर रहा हूँ, 3 से x में मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका 3x हुआ, ओके। फिर प्लस 3 × 4 कितना होगा 12, उसके बाद फिर यहाँ पे 10x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा 10 × x 10x होगा, माइनस 10 × 3 30 इक्वल टू, इसको जैसा है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जैसे यहाँ पे 10x है यहाँ पे माइनस 30 है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 30 से प्लस 30 कर देंगे, 30 ऐड करेंगे इधर, तो 10x इसमें 30 ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस 30 प्लस 30 और फिर इधर आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 12, दोनों साइड हम लोग 30 ऐड किए हैं तो ये आपका माइनस 30 ये 30 जीरो हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा यहाँ पे 10x होगा। टेन एक्स इक्वल टू, इसको आप लोग नोट भी करते चलेंगे, ओके। 3x प्लस 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42, अब यहां पे क्या आपका 10x इक्वल टू 3x प्लस 42 है, यहां पे x वाला टर्म है तो हम लोग दोनों साइड से अगर माइनस 3x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला x 3x कैंसिल आउट हो जाएगा इस साइड से, चलिए करते हैं, ये आपका हो जाएगा 10x माइनस 3x इक्वल टू 3x प्लस 42 माइनस 3x। यहाँ पे 10x माइनस 3x क्या होगा आपका 7x इक्वल टू ये 3x और ये 3x आपका क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या होगा यहाँ पे बचेगा 42। अब दोनों साइड हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा देयरफॉर x इक्वल टू, और यहाँ पे 7 से ये 42 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, तो x इक्वल टू 6, यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा 2x माइनस 3 का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका 6 होगा, ओके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
या सुमन, जैसे कि आपका जब भी वन वेरिएबल होगा, वन लेटर आएगा, वो कितना भी बार भी आए, जैसे ये आपका, ये भी क्या है आपका, जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये आपका क्या है, एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हाउ मेनी टाइम्स एक्स विल कम, एक्स कम मतलब एक्स कितने बार आया है इसमें। एक्स जो है आपके 4 टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। ओके, तो इसमें 4 टाइम्स आया है, फिर भी हम लोग इसको वन वेरिएबल सिखाएंगे। ओके, अगर लेटर वन लेटर रहेगा, जैसे एक्स आपका क्या है, वन लेटर है, ओनली वन लेटर, तो यानी कि ये वन वेरिएबल का ही इक्वेशन है। ओके, अगर यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे जेड होता है, यहाँ पे आपका कोई दूसरा अल्फाबेट होता है, यानी कि यहाँ पे ए होता है या बी, कुछ भी होता है, तो ये आपका 4 वेरिएबल्स होता है, 4 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन। अभी आपको कोई डाउट है सुमन, आप पूछ सकते हो माइक ओपन करके। किसी को भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है, अभी वेरिएबल्स उसको समझ में नहीं आया है कि कैसे वन वेरिएबल्स का है, टू वेरिएबल्स का है, थ्री वेरिएबल्स का है, तो वो माइक ओपन करके आप पूछ सकते हो। इसको आपने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया इसे? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 9x-4=6x+29। तो यहाँ पे ये आपका एक इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, वन और टू, वन, गुड। इसमें वन वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि आपके सिर्फ एक्स आपका एक वेरिएबल है और इसके अलावा और कोई वेरिएबल्स नहीं है। हम लोग जो चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो वन वेरिएबल्स का ही पढ़ रहे हैं। आपको इसमें जो भी इक्वेशन मिलेंगे वो आपके वन वेरिएबल में ही होंगे। तो ये आपका इक्वेशन है, दोनों साइड आपको सेम नंबर ऐड करना है, तो एडिंग 4 टू बोथ साइड। इसमें हम लोग दोनों साइड 4 अगर ऐड कर देते हैं, तो इधर वाले में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, 9x-4+4=6x+29+4। ओके, इस साइड भी 4 ऐड किया गया है, इस साइड भी 4 ऐड किया गया है। उसके बाद जो है आपका 4 और 4 क्या होगा, कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9x है, तो 9x=6x है यहाँ पे, तो 6x लिखेंगे। उसके बाद 29+4 33। ओके, सबट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड से 6x को सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 6x सबट्रैक्ट किया गया, यहाँ पे भी 6x सबट्रैक्ट किया गया है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे x वाला, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो इधर जो है x रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या मतलब x का वैल्यू होगा, इसीलिए हम लोग वन साइड x को हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे 6x क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, और 9x में से 6x को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3x होगा। सुमन सर, हाउ विल अंडरस्टैंड विच नंबर टू यूज, ओके मतलब कहाँ पे, वेयर, ओपन योर माइक एंड स्पीक। सर मतलब उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर यूज करना है, मतलब
पहले स्टेप में एड इन फोर टू बोथ साइड, मतलब फोर लेना है वही कैसे समझेगा, या कौन सा ओके एड ओके, नंबर ले सकते हैं? जैसे देखो यहाँ पे यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +29 है, ओके। तो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +29 है, तो आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि 4 लेना है या फिर 29 लेना है। तो यहाँ पे सब हम लोग लेफ्ट साइड में जो होगा आपका, लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लोग मतलब कि उसको देख प्रिफ्रेंस देंगे, और इस साइड हमको लेफ्ट साइड में जो है हमको एक्स वाला टर्म को लाना है, ओके। और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड की तरफ में उसको कर देना है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसमें +4 अगर ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड में +4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 9x बचेगा। ये क्लियर है, यस और नो? ओके, तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, 9x वाला टर्म यहाँ पे बचा। हमको एक्स वाला टर्म जो है, एक्स वाला टर्म लेफ्ट साइड में ही रखना है। तो यहाँ पे राइट साइड में आपका एक्स वाला टर्म है, तो यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 9x है। तो आपको यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 9x को सबट्रैक्ट करेंगे या फिर 6x को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग हमको एक्स वाला टर्म को लेफ्ट साइड में लाना है, तो इसीलिए राइट साइड वाले टर्म को जीरो करना होगा। तो राइट साइड में अगर जीरो करना है, तो अगर हम लोग -6x को अगर सबट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड से, तो राइट साइड में आपका 6x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए हम लोगों ने 6x को बोथ साइड सबट्रैक्ट किया है। तो इधर भी -6x से सबट्रैक्ट करेंगे, इधर भी -6x से सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये -6x +6x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका 33 होगा, और 9x में से 6x सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपका 3x होगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका x के साथ क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है और यहाँ पे 33 है। तो हम लोग x वाले को हमको क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल में इसको लाना है, सिर्फ x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, 3x का वैल्यू हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होके आपका सिर्फ x बचेगा, ओके। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, हम लोगों ने दोनों साइड 3 से डिवाइड किया है। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 33 और 3 कैंसिल आउट होकर के 11 होगा, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 11 होगा। आप क्लियर हुआ? ओके गुड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाला सॉल्यूशन जो है इसको नोट कर लीजिए आप लोग नोटबुक में जल्दी से। जब नोट हो जाए तो आप लोग डन लिख देंगे एक बार। हाँ, वेरिएबल्स को हमको लेफ्ट साइड में रखना है, ओके। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप राइट साइड में भी रख के कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू 11 आया है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 11 आया है, तो अगर जब आप राइट साइड अगर वेरिएबल को रखते हैं तो क्या होगा, 11 इक्वल टू एक्स आएगा, ओके। तो इस तरीके का आंसर आएगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, यानी कि हम लोग इसको अपने सुविधा के अनुसार एक्स इक्वल टू 11 लिख सकते हैं, ओके। आप 11 इक्वल टू एक्स लिखो या एक्स इक्वल टू 11 लिखो, दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म में है, ठीक है। वैल्यू जो है वो डिफरेंट नहीं होगा, दोनों केस में आपका वैल्यू जो होगा वो सेम होगा।
आप कैलकुलेट करना, ठीक है, आप मतलब जब क्लास ओवर होगा तो आप कैलकुलेट करना कि जैसे कि एक्स वाले वेरिएबल्स को आप राइट साइड में रखो और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में रखो। ओके, आप ट्राई करना, देखना क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है या फिर सेम आता है। ये आपका वर्क हो गया, होमवर्क। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ ओके, ठीक आपका एक थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 by 3 plus 5a = 4। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 2 by 3 है, यहाँ पे 5a, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? वन वेरिएबल्स। गुड, इसमें आपके सिर्फ वन वेरिएबल्स हैं। इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 by 3 plus 5a = 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो आपका पहला मेथड ये है कि इसमें थ्री से यहाँ पे डिवाइडेड बाय थ्री है, डिवाइडेड बाय थ्री है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा है, बोर्ड मास में क्या करते थे, सबसे पहले जो डिवाइड वाला होता था, डिवाइड वाला उसको करते थे, सबसे पहले डिवीजन करते थे। उसी तरीके से इसमें डिवाइड में क्या है, 3 है, तो उसको सबसे पहले हम लोग इसको जो डिनोमिनेटर में उसको सबसे पहले ट्राई करेंगे कि रिमूव हो जाए। इसके लिए हम लोग अगर 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 into 2 by 3, जैसे इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 into 2 by 3, और फिर इसमें 5a में भी मल्टीप्लाई होगा 3 into 5 से। ओके, यानी कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड। ओके, तो ये जैसे कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 into 2 by 3 हुआ, फिर प्लस है तो प्लस 3 into 5 है, 3 into 5 है, और दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 4 into 3 होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये 3 और 3 कैंसिल होकर क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 5 into 3 15a, और यहाँ पे आपका 4 into 3 12, उसके बाद यहाँ पे 15a, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग को वेरिएबल को लेफ्ट राइट में ही रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को हमको इधर करना है, तो ये 2 है तो दोनों साइड हम लोग -2 सबट्रैक्ट करेंगे, तो -2 इधर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, और इधर -2 सबट्रैक्ट होगा तो ये आपका हो जाएगा 12 - 2। ओके, तो 12 - 2 आपका 10 होगा, और यहाँ पे दोनों साइड हम लोग फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर 10 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 10 by 15 होगा। ओके, और ये आप जब आप इसको कट करेंगे तो ये आपका 2 by 3 हो जाएगा। ओके, और दूसरा मेथड क्या है, ये था आपका पहला मेथड, दूसरा मेथड है आपका सब्ट्रैक्टिंग 2 by 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है और 5a है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को इधर से हटा देते हैं, तो -2 by 3 से दोनों साइड हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म, तो यहाँ पे 5a होगा तो यहाँ पे भी 5a हो गया, और इधर -2a से सेपरेट किए तो ये आप एलसीएम निकालोगे तो 3 होगा, और इसको सेपरेट करेगा तो 3 4 12 - 2 यानी कि 10 by 3। ओके, और फिर यहाँ पे 5 पे है तो दोनों साइड हम लोग
फाइव से डिवाइड, अगर यहाँ पे हम लोग फाइव से डिवाइड कर देते हैं और इसमें भी फाइव से डिवाइड कर देंगे, फाइव से डिवाइड करने का मतलब क्या, वन बाई फाइव। ओके, तो ये आपका ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, तो यहाँ से फाइव और ये फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फाइव टू जा टेन, तो टू बाई थ्री यहाँ से भी मिल गया। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ओके ओके, मैं एग्जांपल इसका और कराता हूं। ओके जैसा कि आपका एक नोट है, नोट टाइप में, इफ ए बी सी डी आर नॉन जीरो एक्सप्रेशन सच दैट ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, जैसा कि ये आपका a by b equal to c by d, ये है आपका, then multiplying both sides by b into d we get the equation ad equal to bd। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, bd से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स टाइप में दिख रहा होगा, ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म में नहीं है, यानी कि वैल्यू नहीं है, ये आपका वेरिएबल्स है। तो इसमें अगर हम लोग ए बाई बी में, यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी डी है, तो इसमें अगर हम लोग बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक बार ए बाई बी, ओके अगर इसमें हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ओके तो c बाई डी यहाँ पे है, इसमें भी हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे d है आपका, डिनोमिनेटर d है, यहाँ का b तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो d है डिनोमिनेटर में, ये कैसे खत्म होगा, तो हम लोग क्यों ना इसमें भी हम लोग डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड फिर से, ये जो डिनोमिनेटर डी है वो भी खत्म हो जाए, तो दोनों साइड हम लोग डी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बी और ये बी कैंसिल आउट हो गया और ये डी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या होगा ए डी, ए इंटू डी आपका ए डी हो गया इक्वल टू बी सी, ये आपको मिल गया ए डी इक्वल टू बी सी। और हम लोग दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए, देखिए ये जो है सबसे आप लोग यही यूज करोगे अब से, जैसे आपका ए बाई बी है इस तरीके का, अगर टर्म कहीं पे दिखे सी बाई डी, ओके तो हम लोग क्या करेंगे ए को डी से, मतलब ये जो एक तिरछा तीर से हम लोग गुणा करते हैं, ओके ए को डी से गुणा करेंगे ए इंटू डी और सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे सी इंटू डी, तो आपका बी सी होगा, ये आपका ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। जैसे कि आपका ये एक और आपका क्वेश्चन है, जैसे x माइनस सेवन डिवाइड बाई x माइनस टू इक्वल टू फाइव बाई फोर, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था,
कि अगर ए बाई बी के टर्म में और सी बाई डी के टर्म में ये दिख रहा है आपको, तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इस तरीके से ये दिख रहा है इक्वेशन। तो जैसे ये मान लीजिए कि ये ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ये आपका डी है, मतलब इस तरीके से आपका ये इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते थे, ए को डी से मल्टीप्लाई करते थे, ए को डी से मल्टीप्लाई करते थे। उसी तरीके से एक्स माइनस सेवन को हम लोग फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर फोर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर इंटू एक्स माइनस सेवन होगा आपका। उसके बाद हम लोग फिर सी को किससे मल्टीप्लाई करते थे, बी से, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइव इंटू एक्स माइनस टू, यानी कि फाइव इंटू एक्स माइनस टू, ये हुआ। ओके, यदि किसी को कंफ्यूजन है कि ये कैसे किए, तो मैं फिर से देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक्स माइनस सेवन है, इसको फोर से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे लिखे हैं। ओके, और ये आपका फाइव है और ये एक्स माइनस टू है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका नमरेटर, इधर का नमरेटर और इधर का डिनोमिनेटर एक दूसरे में मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फोर एक्स यहाँ पे फोर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फोर एक्स होगा, और सेवन फोर इंटू माइनस सेवन माइनस 28, फिर इधर फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स, और फाइव इंटू माइनस टू एक्स यानी कि -10। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका -28 है, तो -20 यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स को जो है, वेरिएबल्स को हमको लेफ्ट साइड में रखना है, वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइव एक्स है, वेरिएबल्स राइट साइड में है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे फाइव एक्स के पहले क्या है, प्लस है, फाइव एक्स के पहले क्या है, कुछ नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव है, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। या फिर मतलब हम लोगों ने सीखा था क्या कि दोनों साइड सेम चीज से हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस फाइव एक्स से इधर भी सबट्रैक्ट करेंगे और इधर भी सबट्रैक्ट करेंगे, तो इधर वाला टर्म जीरो हो जाएगा और इधर वाला माइनस फाइव एक्स दिखेगा। ओके, उसके बाद -28 है, तो -28 को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +28, तो ये आपका +28। उसके बाद ये 4x माइनस 5x क्या होगा, -x, उसके बाद -10x, -10 है और +28 है, तो ये आपका 18 हुआ। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका -18 होगा। ओके, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, इसको नहीं समझ में आया होगा फिर से समझ लो। ओके, आज का क्लास जो है मैं 10 मिनट एक्सटेंड करता हूँ। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, होगा सिर्फ ये और ये क्वेश्चन ऑफ 4 और 5 डिस्कस करूंगा। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? ओके, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका ए बाई बी के फॉर्म में है ये, और ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो एक्स माइनस सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और फाइव में एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये होगा। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोगों को जो वेरिएबल्स है उसको एक साइड रखना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड रखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, 5x है, ठीक है, और यहाँ पे 4x है इधर साइड, तो इधर 4x को 4x ही रहने देंगे और इधर 5x है, तो 5x को जब हम लोग लेफ्ट साइड इसको लेके आएंगे तो ये जो है साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5x है तो इधर -5x हो जाएगा। ओके, और ये -20 है कॉन्स्टेंट टर्म, तो -28 को हम लोग राइट साइड लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +28, माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर। ओके,
उसके बाद 4x माइनस 5x जो है वो आपका सबट्रैक्ट होगा तो माइनस एक्स होगा, और ये माइनस 10 प्लस 28 आपका 18 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स है तो दोनों साइड अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे माइनस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस 18। ओके ये क्लियर हुआ क्वेश्चन और फोर्थ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके क्वेश्चन और फिफ्थ है, क्वेश्चन और फिफ्थ भी सेम टू सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका टू है, यहाँ पे आपका मतलब कि a by b के फॉर्म में है। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बाई अगर वन लिख सकते, टू बाई वन अगर लिखते हैं तो किसी को कोई दिक्कत, टू को हम लोग टू बाई वन लिख सकते हैं। ओके तो जब हम लोग टू को टू बाई वन में लिख सकते हैं तो यहाँ पे टू बाई वन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसका नंबरेटर इसके डिनोमिनेटर से और इसका डिनोमिनेटर इसके नंबरेटर से सेम टू सेम। तो 1 से 8m माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये होगा, और फिर आपका 2 से 2m प्लस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये होगा। ओके उसके बाद फिर आपका 8m माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4m प्लस 6 2 इंटू 3 6 होगा। उसके बाद 8m यहाँ पे है, यहाँ पे 4m है तो 4m यहाँ पे तो हम लोग वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे तो यहाँ पे 4m है प्लस में, इस साइड आएगा तो क्या होगा आपका माइनस 4m होगा, और ये आपका कांस्टेंट और माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस 1 होगा। उसके बाद फिर आपका 8m माइनस 4m आपका 4m होगा और 6 प्लस 1 7 होगा। उसके बाद हम लोग दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा ये 4, ये 4 जो है आपका वो इधर आ जाएगा तो आपका 7 बाई 4 होगा। ओके इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको एक दो एग्जांपल और बताना है आपको। ओके डन गुड, जैसा यहाँ पे आपका 12 प्रैक्टिस सेट 12.1 है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या है x माइनस 4 इक्वल टू 3, या फिर ये तो सब कर लेंगे। तो मैं आपको ये क्वेश्चन और थर्ड बताता हूँ। ओके गुड 1 का 7 होगा, मैं आपको क्वेश्चन और थर्ड बताता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन और थर्ड में था 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके तो यहाँ पे 2a है यहाँ पे 4 है, हमको कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड रखना है तो यहाँ पे 2a होगा तो 2a को 2a लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस 4 है तो दोनों साइड हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप लोग ये एक थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप ज्यादा लिखे इसको, हम लोग इस स्टेप को इरेज भी कर सकते हैं। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब यहाँ पे 2a है यहाँ पे प्लस 4a है, हम लोग ये 4a क्या हो रहा है हमको कैंसिल आउट हो जा रहा है,
सीधे क्यों ना हम डायरेक्ट इसको इधर ही लिखते हैं, 0 माइनस 4। जब दोनों साइड सबट्रैक्ट कर रहे हैं, जब दोनों साइड सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे इधर माइनस फोर हो गया, तो फिर अब इधर 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका, मैं इसको नहीं लिखता हूँ, डिवाइड बाई 2। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर, 0 माइनस 4 आपका माइनस फोर होगा, माइनस फोर डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 से ये माइनस फोर कैंसिल आउट होगा तो ये आपका 2 होगा, यानी कि आपका ये -2। ए इक्वल टू क्या होगा आपका, सर प्लीज शो द 2 1। ओके, सेकेंड वाले में आपका क्या था, मैं दिखा लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये क्लियर हुआ, यस और नो? ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में क्या है आपका, 9x/8 9x/8 + 1 = 10। टू वन एंड फोर्थ वन, मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या आप कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर ये वाला, ओके, तो मैं ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बता करके आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करूंगा। ओके, ये आपका 9x/8 है, 9x/8 + 1 = 10 है। तो यहाँ पे जो है आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस वन है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस वन से सबट्रैक्ट करेंगे। तो 9x/8 = इधर माइनस वन से सबट्रैक्ट किए तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो इधर आपका ये हो जाएगा 10 - 1। 8 इज आंसर, गुड। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या है आपका आंसर। ये आपका 9x यहाँ पे है तो 9x होगा, और ये 8 जो है, 8 क्या होगा, दोनों साइड हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको इधर लिखूंगा 10 - 1 9 × 8। अब फिर दोनों साइड 9 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर x = तो 9 × 8 / 9, 9 से 9 जो है आपके कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका 8 हुआ। ओके, कादम्बरी आपका सही है, 8 इज आंसर। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन और फर्स्ट का फोर्थ डिस्कस कर देता हूँ। 10 मिनट हो गया है, 7:10 हो गया है, तो और 2-4 मिनट लगेगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है 3 - y = 4। यहाँ पे जो है 3
माइनस वाई इक्वल टू फोर, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थ्री माइनस वाई है, तो यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है, ओके ये फोर है, तो दोनों साइड हम लोग थ्री सबट्रैक्ट करते हैं, क्या होगा माइनस वाई इक्वल टू फोर माइनस थ्री होगा। सुमन ये होगा, ओके अब यहाँ पे माइनस वाई है तो इसको माइनस वाई ही रहने देते हैं, माइनस वाई इक्वल टू फोर माइनस थ्री कितना होगा वन। अब क्या करते हैं हम लोग दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस वाई इक्वल टू माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस वाई होगा, प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर वाई इक्वल टू माइनस वन। क्लियर हुआ ये? ओके आज इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस से 12.1 करिएगा, सारा क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे, ओके ओके Anyone has any doubt? किसी को कुछ पूछना है? Okay. Okay. किसी को कुछ नहीं पूछना है, क्लियर है सारा चीज, तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, या फिर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन।